हम लोग आज आए हैं दीघा घूमने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। पता नहीं आज क्या ओकेशन है यहाँ का, बहुत भीड़ है। अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम लोग नाश्ता वास्ता खाना वाना खा के आ गए हैं। अभी प्लानिंग है शाम को सीधा जाएंगे, फिर फ्रेश होंगे और फिर से समुंदर के यहाँ का नज़ारा लेंगे कि क्या है यहाँ का, शाम को कैसा माहौल रहता है, क्या खाने को मिलता नहीं मिलता। तो बने रहिए हमारे साथ, शाम को भी देखते हैं क्या होता है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, सुबह इतना हम लोग स्नान किए हैं कि बस सो गए थे। अभी जस्ट तैयार होके निकले हैं, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करेंगे, बीच में जाएंगे। शाम का नज़ारा है और हम लोग अभी ओल्ड दीघा में हैं। ओल्ड दीघा जो है वो ओल्ड दीघा से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग ऑटो पकड़ के आ गए हैं और ये देखिए हमारे पीछे ही समुंदर है और हमारी दिक्कत भीड़ नहीं है। हालांकि ओल्ड दीघा में सब भीड़ रहता है, शाम के टाइम में भीड़ रहता है और यहाँ पर बहुत सुंदर मार्केट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मार्केट है, यहाँ से वहाँ तक हर प्रकार का सामान आपको मिल जाएगा। इधर भी है, इधर भी है। समुंदर से रिलेटेड जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है या शंख वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंजॉय कर रहे हैं, अभी हमने एक चिकन रोल खाया, मज़ेदार था। तो समुंदर का हवा और शाम भरा दीघा मज़ेदार है। आप लोग भी आइए यहाँ पर और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए सनराइज में कितना सुंदर लग रही है व्यू। कितना ज़्यादा क्राउड भी है, गर्मी में सब लोग सी में आ गए। सी का व्यू कितना प्यारा लग रही है। आज हम लोग ये स्पीड बोट में चढ़ेंगे, पता नहीं फोटो खींच पाएंगे या नहीं। ये हमारी अंजलि जी रेडी हो गई हैं स्पीड बोटिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइड्स हैं, वेव्स हैं समुंदर में और इसी समुंदर के बीच एक्सपीरियंस लेने के लिए अंजलि जी रेडी हो रहे हैं। अंजलि जी तैयार स्पीड बोटिंग के लिए। ये रहा अंजलि जी का स्पीड बोटिंग चालू, समुंदर के बीच में लहरों में मस्ती करती हुई। ये आ गई अंजलि जी। अंजलि जी लगता है काफ़ी डरी हुई है, वो देखिए कोने में बैठ गई है। अभी उतर रही है अंजलि जी। Let's take it slow. 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 Let's take it slow.
शाम का वक्त हो गया है। देखिए समुद्र कितना सुंदर लग रही है शाम का वक्त में। आज रात को हम निकल जाएंगे, 12 बजे का ट्रेन है हम लोग का और अभी हम लोग रेस्टोरेंट में हैं। रात का डिनर करेंगे, रात का डिनर करके हम निकलेंगे। एक फ्राइड राइस हमने ऑर्डर किया था अभी वो खाएंगे। बारिश बाहर बहुत हो रही है, फंस गए हैं हम लोग, फंस गए हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं, बारिश हमारा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। खाना आ गया है, बहुत ही टेस्टी खाना है, बेटी भी खा रही है। अभी हाँ तुमको कुछ बोलना है? खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है, उसके लिए निकालना है, इसका थोड़ा सा टेंशन है, बाकी नहीं तो खाना टेस्ट करना। ब्लॉग देखते रहना, कैसा लगा कमेंट करके बोलना, और आगे भी और ढेर सारा जगह हम जाएंगे और ढेर सारा ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।